हाय हेलो सत श्री अकाल, दिस इज मानसी युवराज हंस। और आज का व्लॉग जो है वो मैंने सोचा मेकअप हो गया, पर्सनल लाइफ हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, मतलब ट्रैवल टूर हो गया, बेबी को लेके हो गया। सो मैंने सोचा क्यों ना कुछ खाने को लेके भी बनाया जाए। सो आज मैं जो बनाने वाली हूँ, ये जो पिछली आवाज़ है प्लीज़ अवॉइड करें, जो हमारे घर में दीदी काम करते हैं उनके गले में साइलेंसर फिट करना है मुझे। वो बहुत चिल्ला के बात करते हैं और वो जब रूम में भी आते हैं ना, हाँ जी पापी का कमरा साफ करना है। सो यू कैन इमेजिन। सो हेलो बहनों, थोड़ा धीरे बोलो। सो अभी मैं बनाने वाली हूँ राजमा। मतलब आई नो सबका बनाने का तरीका एक जैसा ही होता है, लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ, मुझे गिनी चुनी चीज़ें आती हैं खाना बनाने में। मेरा हाथ बहुत टाइट है एंड टच वुड लकीली मुझे मेरा हस्बैंड ऐसा मिला है जिसे कोई तकलीफ़ नहीं, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे शेफ़ हैं। और जब कुछ ऐसा हो कि कुछ नहीं बना है कुछ अच्छा, तो वो खुद ही कुछ ना कुछ बना के दे देते। तो मुझे लिमिटेड चीज़ें सी आती हैं, जो हालांकि मैंने अभी बनाना सीख लिया है, बट स्टिल जैसे राजमा मुझे अच्छे से आते हैं। इनफैक्ट खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, मुझे खुद के बनाए हुए राजमा भी अच्छे लगते हैं। और थोड़ा जम्मू स्टाइल का है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता मैं जम्मू से हूँ, जम्मू की स्पेशलिटी है राजमा चावल। सो आज मैं राजमा बनाने वाली हूँ मेरे स्टाइल में। होता तो तड़का लगाने का स्टाइल सबका सेम ही है, बट हर किसी को कम ज़्यादा कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती, कौन सी कम अच्छी लगती, सो बस वैसे ही है। तो आइए मेरे साथ। और हाँ, वन मोर थिंग, आप लोगों को लग रहा होगा इतना मेकअप करके कौन खाना बना रहा, मुझे पता था मैंने व्लॉग बनाना है, सो चलो मेकअप कर लिया जाए। ऑलराइट लेट्स गो। पी दीदी, आपकी मेहनत बेकार गई, मैंने तीसरी बार ये वीडियो बनाने लगे, कैमरा ही ऑन नहीं था। अच्छा, आप इतनी जोर से कैसे चिल्ला लेती हूँ मुझे ये बताएं, इतनी छोटी सी आप हैं और बड़ा धमाका आवाज कहाँ से लाती हैं इतनी। बोल ही नहीं रहे। ये है रजनी जी जो हेल्प कर रही है मुझे धनिया काटने में और टमाटर प्याज, और ये सब चीजें ग्राइंड होंगी, फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मैं क्या क्या चीजें इसमें यूज़ करती हूँ राजमा बनाने में। सो ओके स्टे ट्यून्ड। जनरली लोग क्या करते हैं कि रात को राजमा उबाल लेते हैं, सॉरी भिगो के रख लेते हैं और सुबह उसे उबाल लेते हैं। सो हमने भी यही किया था, रात को भिगो लिए थे और अब हमने राजमा उबाल लिए हैं। मेरी दीदी के आप वॉइस ओवर सुनते जाओ, सबसे दुनिया में दुखी वही है। हाँ दीदी, ये दोनों दीदियों। सो मेरा क्या है, मैं छोटे वाले रेड कलर वाले राजमा बनाती हूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं टेस्ट वाइज। सो ये मैंने उबाल लिए और थोड़ा सा हम इसे मैश कर लेते हैं, जो कि मैं अलग वो क्या पंजाबी च कहते ना मदानी, उसके नाल थोड़ा मैश कर लेने। सो आई विल डू दैट लेटर ऑन। सो आज जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं राजमा के लिए है धनिया, कटा हुआ धनिया, कड़ी पत्ता, आई जस्ट लव कड़ी पत्ता, कटी हुई हरी मिर्ची, राजमा मसाला, देगी मिर्च, हींग, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटर प्याज और नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया अपने स्वाद अनुसार। सो राजमा बनने की तैयारी। ये पी, थोड़ा पानी है सूख जाए। आंच पे घी रख लेंगे, देसी घी में भी बना सकते हैं आप लोग, मैं फ़िलहाल रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ सफोला में। सो इट्स अप टू यू। सो अभी ये गरम होगा, इसमें मैं पहले डालूंगी हींग, देन डालूंगी धनिया। सो इसे गरम हो लेने देते हैं। अब आप देख सकते हो कि ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, साइड पे आप देख सकते हो। सो मैं इसमें डालूंगी पहले हींग। रजनी आप आ जाएं, कैमरा संभालें। सो मैं पहले थोड़ा सा डालूंगी हींग, क्योंकि बोलते राजमा आई डोंट नो कुछ तो होता है जिसमें मम्मी बोलते हैं हींग डालनी ज़रूरी होती है। हींग डाला, मैं कड़ी पत्ता बहुत पसंद करती हूँ, थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाला, जीरा, अब थोड़ा सा इसे ब्राउन होने देंगे। दीदी आप मुझे कड़छी बतला देंगे, थैंक यू, मेरे असिस्टेंट बहुत अच्छे हैं, सारा काम उन्होंने किया है, मैं सिर्फ क्रेडिट लेने वाली हूँ, मैंने राजमा बनाया। ओके सो गैस थोड़ी तेज़ कर ली जाएगी, क्योंकि बीच में मैं फोटो सेशन करने चली गई थी गैस पे घी रख के। सो मेरे घर वाले, मेरी सासू माँ सब देख रहे थे ये कर क्या रही है, कौन से राजमा बन रहे हैं। इट्स ओके, फोटो सेशन भी बहुत ज़रूरी है,
आई जस्ट लव इट. सब थोड़ी सी ब्राउन हो जाए. सो अभी थोड़े से ब्राउन हो गए हैं. सो इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची. अच्छा मुझे तो थोड़ा ये सब वाले वास्तव बड़ा डर लगता है. मैं कोसों में दूर सूख जाती हूँ. मैं मिर्ची ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि अभी लाल मिर्ची भी डलेगी. बट हरी मिर्ची का जो टेस्ट खुशबू आती है ना बड़ी अच्छी आती है. तो मैंने डाल दी है. तो प्याज टमाटर ग्राइंड हो चुके हैं. अब मैं इसमें प्याज डालने वाली हूँ. अब जब तक ग्राउंड नहीं होगा तब तक इसमें मैं टमाटर डालूँ. अब इसे दिखाऊंगी मुझे ना टमाटर. प्याज हल्का हल्का लाल हो चुका है. हाँ जी कैमरा मैन अच्छे जा रहे हो आप. सो अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी. सो दैट जब प्याज ब्राउन होगा पूरी तरह से तो उसमें ये भी अच्छी तरह से पक जाए. बिकॉज नहीं तो वो कच्चे का टेस्ट आता ना वो थोड़ा गंदा लगता है. सो मैं ये आपकी मर्जी आप कितना स्ट्रॉन्ग अदरक लहसुन खाते हो उस हिसाब से. सो मुझे ज़्यादा कड़वा अच्छा नहीं लगता है. तो मैं नॉर्मल डाल के इसमें इसको अच्छे से पका दूंगी. उसके बाद मैं डालूंगी इसमें नमक मिर्ची. नमक एक्चुअली उबालते समय भी थोड़ा सा डाला था बट इट्स अप टू यू. आप स्ट्रॉन्ग खाते हैं लाइट खाते हैं कैसा नमक आपको टेस्ट अच्छा लगता है. अच्छा जिस हिसाब से मैं राजमा बनाने में लगी ना बीच में मेरा फोटो सेशन चल रहा है बीच में मेरी रील्स बन रही है तो मेरे हिसाब से मैंने कहा ना आज राजमा मुझे सुबह 4 बजे ही मिलने. ऐसे वो कुछ कहती नहीं बेचारी क्योंकि उनकी बहू ऐसे खाना मिल रहा है. बट फिर भी आई एम रेडी. तो आप देख सकते हो ये रेड हो चुका है. इसे और पकाने दे रहा है मुझे. बट मैं अब इसमें थोड़े मसाले करूँगी. नमक जैसे मैंने ऑलरेडी उबालते हुए थोड़ा डाला हुआ है तो मैं थोड़ा ही डालने वाली हूँ इसमें. और हल्दी और मिर्ची जो कि मुझे तीखा पसंद है थोड़ी मिर्ची डालूँगी. मैं देगी मिर्च भी डालती हूँ क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है. तो देगी मिर्च तीखी नहीं होती जस्ट फॉर कलर. सो मैं एक चम्मच सब इसे अच्छे से मिला लिया जाएगा. इसे भी अच्छे से ब्राउन होने दूंगी मैं. सो आप देख सकते हो मसाला ऑलमोस्ट सूखने वाला है मतलब सूख ही चुका है. तो अब मैं इसमें मिक्स करूँगी टमाटर. इसे अच्छे से पकाना है. देखो जो इतना मेकअप किया ना खाना बनाते समय कोई नहीं तैयार करता. बस मैंने वीडियो के लिए देखी थोड़ी अच्छी लगा वरना आप लोग डर जाओगे. सीरियल में तो बड़े अच्छे दिखते हैं ये लोग असलियत में ऐसे. अभी इसमें वक्त लगेगा मतलब मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाता राजमा बनाने में. तो आप लोग देख सकते हैं मेहनत का काम है. खाना बनाना कोई ऐसी नहीं है इसीलिए नहीं मैं बनाती. इसका पकना भी ज़रूरी है ताकि वो कच्चे की स्मेल ना आए. मुझे ये टिप दी गई थी कि जब ये बीच में जैसे बॉयल आते हैं दैट मीन कभी पका नहीं है. जब पानी साइड से आने लग जाए बिल्कुल ड्राई हो जाए दैट मीन्स मसाला पक चुका है. जब तक मसाला पक रहा है तब तक मैं इसे मैश कर लूँगी थोड़ा सा. जिदा ना पंजाबी से कहने घुले हुए राजमा वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं. सो थोड़ा सा मैश कर लिया जाए इसे. तो जैसे आप देख सकते हैं ये मसाला पूरी तरह पक गया है बबल नहीं है इसमें. सो मैं क्या करती हूँ कि मैं राजमा थोड़े से लेके इसमें मिक्स करूँगी. ये मिक्स करके बट मेरा थोड़ा तरीका अलग है. अब ये सारा मसाला मैं कुकर में शिफ्ट कर दूँगी एंड देन फिर से 2 सीटियाँ लगाऊँगी. तो मैं ये मसाला
मसाला कुकर में शिफ्ट कर दूंगी। अच्छा, मुझे राजमा थोड़े पतले पतले पसंद है, तो मैं थोड़ा सा पानी और मिक्स कर दूंगी। अब देखो, आपको ये ना लगे पूरे मोहल्ले को राजमा खिलाने, टचवुड, लकी हम लोगों की जॉइंट फैमिली है, सो इसलिए मैंने सबके लिए राजमा बनाया। ज्योति दीदी स्पेशली वेट कर रही हैं, ये घर लेके जाना चाहती हैं राजमा, सो राजमा बन रहे हैं। ये बिरबल की खिचड़ी नहीं है, राजमा है। अब इसे मैं बंद कर दूँगी, तो 3 सीटियाँ बजने देंगे हम इसकी, इसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा। ज्योति दीदी कल दिखाएगा राजमा तो बस विसल बजने वाली है, उसी का इंतज़ार हो रहा है। सो आप देख सकते हैं राजमा, लेकिन अभी भी ये बने नहीं हैं। अभी मैंने डाला है इसमें राजमा मसाला। मुझे एवरेस्ट और MDH के मसाले पसंद है, सो ये डाला है 1 चम्मच इसमें, और गरम मसाला ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा मैंने दबाने के लिए ज़्यादा निकाला है, हल्ला थोड़ा ही बस। अब इसे मैं और थोड़ा सा उबलने के लिए रख दूँगी, और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें हरा धनिया, और मैंने फिर से गैस ऑन कर दिया। अब इसे मैं रखूँगी उबलने के लिए। थोड़ा धनिया मैंने बचा ली क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा कच्चा। आप देख सकते हैं उबल रहा है, इसे थोड़ा मैं उबलने देंगी जबकि कच्चा पानी है वो थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए। सो राजमा तैयार है, तो मैं इसमें धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल करने वाली हूँ। दैट्स इट, ये थोड़ा इसमें घुल जाएगा अपने आप। ये तो राजमा तैयार है। सो ये तो थी मेरी रेसिपी, अगर आप लोग ये ट्राई करेंगे आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बस जैसे मैं हर बार कहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें, फीडबैक दें, और प्यार करते रहे हमें बस। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय रजनी, बाय शीना, बाय चाची, बाय। ओके बाय। बिरबल की खिचड़ी बन चुकी है, सब लोग वेट करके थक चुके हैं, अब खाना खा लें। बाय।